नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडियन म्यूजिक स्कूल के नए लेसन में। दोस्तों, आज का हमारा लेसन थाट भैरवी के बारे में है। थाट भैरवी में कौन कौन से स्वर लगते हैं, थाट भैरवी से किन किन रागों की उत्पत्ति हुई है, थाट भैरवी का जनक राग कौन सा है और उसके अरोह अवरोह क्या है, आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थाट भैरवी में कौन कौन से स्वर लगते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्वर है वो है सा, कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, कोमल नी, तार सप्तक का सा। आइए दोस्तों, अब ये स्वर मैं आपको हारमोनियम पर बजा के दिखाता हूं। सा अगला स्वर है कोमल रे, रे। रे से अगला स्वर है कोमल गा, गा। अगला स्वर है शुद्ध मा, मा। अगला स्वर है पा, पा। इससे अगला स्वर है कोमल धा, धा। इससे अगला स्वर है कोमल नी, नी। अंतिम स्वर है तार सप्तक का सा, सा। आइए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। सा, रे, गा, सारे गामा वादा निसा। दोस्तों, ये थे वो स्वर जो भैरवी थाट में लगते हैं। भैरवी थाट जब भी हम गाते हैं या इस थाट से उत्पन्न हुए किसी भी राग को गाते हैं तो एक समर्पण की भावना, एक समर्पण की फीलिंग जो है वो आती है हमारे अंदर। भैरवी थाट से कई रागों की उत्पत्ति हुई है, उनमें से कुछ मुख्य राग हैं, राग भैरवी, राग मालकोस, राग धनाश्री,
राग विलास खानी तोड़ी इत्यादि। आइए दोस्तों, भैरवी थाट का जो जन्य राग है अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों भैरवी थाट का जन्य राग है राग भैरवी। आइए राग भैरवी की अरोह और अवरोह मैं आपको हारमोनियम पर बजाकर दिखाता हूँ। सारे सारे गामा पदानी सानी धापा मगरे सा सारे गामा पदानी सानी धापा मगरे सा सारे गामा पदानी सानी धापा मगरे सा। दोस्तों आई होप आपको ये लेसन थाट भैरवी के बारे में, उससे उत्पन्न हुए रागों के बारे में, थाट भैरवी में कौन कौन से स्वर लगते हैं, थाट भैरवी का कौन सा जन्य राग है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।